चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों का। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, कन्नौज में घर लौट रहे युवकों पर हमला हुआ, बड़ी घटना हुई है। सदर कोतवाली इलाके में धारदार हथियार से युवकों पर हमला किया गया है, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कन्नौज में देर रात हुई यह घटना, इसमें युवक पर हमला हुआ और जानकारी मिल रही कि देर रात एक युवक पर हमले के आरोप किसी समुदाय विशेष के लोगों पर लगे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के चेर किला मोहल्ले का यह बड़ा मामला, जहां पर शहर में कुछ लोग जब घर लौट रहे थे उन पर हमला हुआ। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए कन्नौज से। शिवम, चेर किला इलाके में बड़ी घटना हुई है जिस पर सबकी नजर है, इस वक्त क्या कुछ जानकारी इस वारदात को लेकर आपके पास? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें तो कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के जेरकिला मोहल्ले में एक घटना कल रात घटित हुई है, जिसमें दो व्यक्तियों के गले मर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए थे। दोनों कोतवाली पहुंचे, जहां पर शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने दोनों घायलों का कन्नौज के जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। मेडिकल के दौरान घायलों ने बताया कि एक घायल व्यक्ति जो कि अपने निजी काम से मंदिर की ओर जा रहा था, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने सरकारी नलकों पर ड्यूटी कर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा दोनों व्यक्तियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं। घटना जो है दोनों व्यक्तियों की जेरकिला मोहल्ले की है। एक सरकारी ट्यूबवेल पर मौजूद था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। दूसरा व्यक्ति शहर के गौरीशंकर मंदिर तरफ जा रहा था, जो कि दोनों व्यक्तियों पर एक गैर समुदाय के व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें हिंदू संगठन के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। रात में ही हिंदू संगठन के पदाधिकारी कन्नौज सदर कोतवाली पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस को कार्रवाई करने को शिकायती पत्र भी दिया गया है, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए थे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी के लिए। तो धारदार हथियार से हुआ हमला, ये बड़ी घटना सामने आ रही कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके के जेरकिला मोहल्ले से। इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें हैरान करने वाली है कि कन्नौज में जिस तरह से हमला हुआ है युवक पर, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं।